y'all, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. And today's videos is especially for those moms who lives abroad and who feels difficult to make rotis, and it can also be helpful to working moms. So make sure to watch the whole video. And recently our channels crossed 100k subscribers, so I'm so thankful to each and every one of you who supported me no matter if I was regular or not. So thank you so much, love you all. So यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि डो मैं कैसे बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही क्वेश्चन आई थी और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं. तो मैं ना डो बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, हार्डली 1.5 to 2 मिनट्स ऐसे ही लगाती हूँ. तो फिर क्या करती हूँ मैं, जैसे डो को बना के और उसको फूलने के लिए रख देती हूँ. मैं इजी प्रोसेस फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं, मेरा जो ये बैक का इश्यू, ज़्यादा देर खड़े रहने से मुझे ज़्यादा पेन होती है. मैं भी शायद मैंने एपिड्यूरल लिया था बेबी के बर्थ के टाइम पे, इससे या पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे बैक की इश्यू बहुत होती है. तो फिर मुझे लगता है कि रोटी मेकर मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल निकली है. अब आप लोग खुद का सच्ची में देख लो, मैं किसी को ये मतलब वो नहीं कर रही हूँ कि आप लोग खरीदो करके, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है. तो यहाँ देखो मैंने आटा लगा लिया है, और आटा जो नॉर्मल यहाँ पे एशियन मार्केट में जो मिलता है, इंडियन मार्केट में इंडियन चक्की आटा, तो वही है. समटाइम्स होती है आशीर्वाद का, समटाइम्स किसी और का, तो यही है. तो मैं उसके बाद उसको फूलने के लिए रख देती हूँ एक घंटे की अराउंड. और उसके बाद आके इसको मतलब ऑयल लगाना होता है हाथ में, क्योंकि आटा थोड़ा गीला होता है. आज का थोड़ा ज़्यादा गीला है, बट जनरली ऐसे ही गीली आटे से ही रोटी बनती है रोटी मेकर में. तो मैं उसको मसल के उसके बाद छोटे छोटे वो पेड़े बना के रख लेती हूँ. और आप पेड़े बनाते टाइम ऑयल का भी यूज़ कर सकती हो. मैं यहाँ पे फ्लोर का ही डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है मेरे लिए. और प्रेस करते टाइम बहुत ने पूछा है कि ऑयल का यूज़ करना है, तो ऑयल नहीं यूज़ करना है प्रेस करते समय, ये ड्राई फ्लोर का ही यूज़ करना है. और शाम का डिनर का टाइम हो रहा है, हम लोग घूमने गए थे तो आते आते टाइम लग गया, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सब्जी भी बना रही हूँ. तो अभी मैं जब सब्जी बना रही थी तो रोटी मेकर को हीट होने के लिए रखती हुई थी, तो अभी उस पर मतलब ऊपर मतलब ठीक हीट हो गया है, तो अब मैं उस पर रोटी बना रही हूँ. ओके, और तावे, मेरे पास आयरन का तावा भी है और मैंने ट्राई भी किया था, बट मेरे से ना मतलब ये इंडक्शन चूल्हा है, मेरे यहाँ पे कहीं पे भी मतलब गैस का चूल्हा होता ही नहीं है हार्डली कहीं पे किसी हाउस में. पुराना वाला घर में मिल भी जाएगा, बट जनरली इलेक्ट्रिक या इंडक्शन ही होता है. तो उस पर मतलब रोटी बनाना मुझे तो मुश्किल लगता है. ऐसा नहीं कि मुझे रोटी बनानी आती नहीं है, बट आई डोंट प्रिफर मेकिंग रोटीज, मुझे बोरिंग लगता है. तो इसीलिए मैं अभी तो मुझे बनाना ही है क्योंकि पेरेंट्स आए हैं, तो उन लोगों को तो रोटी चाहिए ही, तो फिर मैं बनाती हूँ. तो जो बोल रही थी कि रोटी टाइट होती है, तो मेरी वाली तो रोटी टाइट नहीं हुई है अभी तक. उसका कुछ टिप्स है जो मैं अभी शेयर करूँगी इसी वीडियो में. तो जो गीली रोटी का आटा होता है ना, वो उतना हार्ड नहीं होगा. यदि आपका आटा मतलब सख्त हो, जैसे कि नॉर्मल हम लोग रोटी बनाते हैं वैसा हुआ, तो ही सिर्फ हार्ड होगा, अदरवाइज नहीं होती है. और दूसरा है कि रोटी पकने के बाद ना उसको ना तुरंत ही ढक देना, मतलब कवर करके रखना. ओपनली रखोगे तो उसको मतलब हार्ड हो सकती है. ओके, तो यही टिप्स है. और इसका बहुत सारा आप दूसरे वे में भी यूज़ कर सकती हो, जो मैंने उतना यूज़ नहीं किया है. बट जैसे मैं कमेंट, अभी आपको पता ही है कि शॉर्ट्स का वीडियो बहुत ही वायरल हुई है ये रोटी मेकर का, तो उसमें कमेंट्स वगैरह में लोग बोलते हैं कि मेरा कभी अच्छा नहीं हुआ. आप कंटिन्यूसली देख लो मेरा हर दिन का वीडियो, में कभी भी मेरा रोटी इसमें मतलब ख़राब होता ही नहीं, हर रोटी फूलती है. बल्कि मैं नॉर्मली बनाती हूँ ना, तो वो वाली रोटी नहीं फूलती मेरी. और बहुतों ने ये भी बोला था कि रोटी पकी हुई नहीं है, तो रोटी सच्ची पकी है. एक तो पतली है रोटी, और उसके बाद इतना स्टीम होता है इसके अंदर, आप ही सोच लो कि ये रोटी कैसे नहीं पकी होगी. और आटा का डिफरेंस से हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये मतलब सफ़ेद टाइप की, तो यहाँ का आटा ऐसा ही होता है. अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती. और बाकी रहे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मुझे मतलब कंप्लेन नहीं किया है कि मतलब रोटी अच्छी नहीं है.
और जो पापा जी है वो बोलते हैं मम्मी की मतलब अच्छी नहीं हुई रोटी, तो वो खाते भी नहीं है। तो आप लोग खुद ही सोच लो कैसा होगा, ओके। और इसका मतलब 2-3 यूज जो मैं करती हूँ वो भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो लोग तो कमेंट में मैंने पढ़ा था, बहुतों ने बोला कि डोसा और पता नहीं क्या क्या वो लोग यूज़ करते हैं, बट मैं डोसा तो अभी तक नहीं बनाई हूँ इसमें। हाँ, ये करती हूँ कि इसको जैसे रोटी प्रेस करके और रख लेती हूँ। तो समटाइम्स हम लोग जैसे लंबे टाइम के लिए जब बाहर जाते हैं तो आते आते बहुत लेट हो जाता है ना, तो उसके लिए जो पहले ही यदि मैं इस तरह से प्रेस करके रख के जाती हूँ ना, तो बहुत हेल्पफुल होती है, आते ही रोटी को बनाओ। और इसका एक डीमेरिट होता है कि इस तरह से ऊपर मतलब ये मुड़ जाता है, तो इसका एक ही सलूशन है, आप इसको फ्लिप कर देना शुरू शुरू में, जब मतलब ये गर्म होता है ना तो आपको मतलब ठंडा करने के लिए टाइम टाइम पे इसको मतलब फ्लिप करना, और उसके बाद जब आपकी ज़रूरत हो 3-4 घंटे के बाद आने के बाद आप इस तरह से इसको सेक सकते हो। तो ये तो बहुत ही इजी हुआ मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी होगा। और जो भी वर्किंग मम है या NRI NRN जो भी बाहर रहते हैं देसी मम, उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं, जिसके बच्चे हैं और काम से आते थके हुए, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। बाकी जो टेस्ट की बात है तो ऑफकोर्स चूल्हे में पकाया हुआ रोटी, तवे में माँ की हाथ की रोटी तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है, और वो जिसको मिल रहा है वो तो सच्ची में बहुत लकी। आप लोग सच्ची ग्रेटफुल रहो अपनी माँ बहन वाइफ जो भी आपको खाना बना के खिलाती है, या हस्बैंड कोई भी हो, बी ग्रेटफुल। अदरवाइज हाँ, जिसको ज़रूरत हो वही, उसी के लिए सिर्फ है ये वीडियो। तो मुझे नेगेटिव कमेंट बहुत मिल रहे हैं अभी, तो मैं उस कमेंट को उतना लेती तो हूँ नहीं, बट एनीवे थैंक यू जो जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, चाहे जिस भी वजह से हो देखा हो मेरी वीडियो, उन सभी के लिए और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर, आई लव यू ऑल। और ये देखो रोटी, ये हार्ड है क्या ये रोटी, देखो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट ही बनती है। अभी मैं अब डिनर सर्व करने जा रही हूँ सबको। तो यही था आज का वीडियो, में होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। और हाँ, सच्ची में ये मेरा पहला ही शायद वीडियो होगा, मेन मतलब लॉन्ग वीडियो जो मैं हिंदी में बोली हूँ, अदरवाइज़ मैं आइदर मतलब साइलेंट वीडियो बनाती थी या इंग्लिश में बनाती थी। तो आप लोग बताना कैसा था मेरा कम्युनिकेशन स्किल, और मुझे सच्ची में मोटिवेशन मिलेगी यदि आप लोग मुझे मतलब बताए कमेंट में, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मतलब शेयर करके सपोर्ट करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हेयर। और एक और टिप्स देती हूँ, जो मतलब जो रोटी मुझे इस तरह से खाने का बहुत ही अच्छा लगता है, इसको पता नहीं खाखरा या क्या बोलते पता नहीं, इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस डाल के भी आप बना सकती हो, और ट्रैवल के वक्त पे मतलब स्नैक के रूप में भी हो सकता है, टी टाइम स्नैक। तो ये बहुत पसंद आया मुझे, मेरी फेवरेट है, तो मैं 2 बना लेती हूँ अपने लिए हमेशा। और आप लोग बताना यदि आप लोग यूज़ करती हो रोटी मेकर, और ये वीडियो यदि हेल्पफुल हुई आप लोगों के लिए तो। और ये रोटी नेक्स्ट डे की है जो मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया था ये वाला क्लिप, और बहुतों ने लिंक पूछा था, तो ये बालट्रा का है, मैंने लोकली शॉप से ही खरीदी थी 4-5 ईयर्स एगो। तो आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने रोटी मेकर फर्स्ट ट्रायल ऐसे यूज़ किया है। बाय द वे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है, और प्रोडक्ट का लिंक जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। और अभी मैं व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन के लिए भी वर्क कर रही हूँ, जैसे ही होगा आप लोगों को खुद ही दिखाई देगा, तो मेक श्योर टू चेक। और दिस डे मैं शॉर्ट्स वीडियो बहुत बनाती हूँ, तो मैं बहुत रेगुलर हूँ वहाँ पे, तो मेक श्योर करें कि आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो करें। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू सून अगेन, बाय।